नमस्ते, मैं पम्मी कुमारी आप लोगों के समक्ष अपनी एक स्वरचित कविता लॉकडाउन लक्ष्मण रेखा और ये जालिम कोरोना को लेकर आई हूँ। मेरा उद्देश्य है कि इस कोरोना नामक महामारी को हम कैसे हरा सकते हैं, और अभी के समय में जो हम लॉकडाउन कर अपने घरों में बैठे हैं, तो ऐसे समय में हमने क्या सीखा, इसको उजागर करने हेतु हमारी ये रचना है। जरा आप इन्हें जरूर सुने। कोरोना, कोरोना से अब कोई भी डरो ना, कोरोना से अब कोई भी डरो ना, ये सोच कर कोई भी संयम खो ना। हमने रखा है 21 दिनों का लॉकडाउन उपवास, हमने रखा है 21 दिनों का लॉकडाउन उपवास। मेरे कदम विचलित नहीं हो सकते लक्ष्मण रेखा के उस पार। हम सबों ने ठानी है श्रृंखला को देंगे तेरी तोड़, हम सबों ने ठानी है श्रृंखला को देंगे तेरी तोड़, लाख कोशिशों के बावजूद भी नहीं पाओगे खुद को हमसे जोड़, लाख कोशिशों के बावजूद भी नहीं पाओगे खुद को हमसे जोड़। पर ये भी सच है कि हम करते आ रहे थे प्राकृतिक चीजों और मानवता का अपमान, पर यह सच है कि हम करते आ रहे थे प्राकृतिक चीजों और मानवता का अपमान। कोरोना सिखा गई हमें तुम स्वच्छता और मानवता का करना सम्मान। ये घंटी बजाना शंखनाद बजाना, नमस्ते कर तालियां बजाना, तुमने सिखला दिया मानव जाति को हमारी संस्कृति को अपनाना, तुमने सिखला दिया मानव जाति को हमारी संस्कृति को अपनाना। ये सच है कि इसमें कोई धार्मिक पक्षपात नहीं, किसी व्यक्ति विशेष की भी इसमें कोई बात नहीं। हमारी संस्कृति सदियों से सिखाती थी हमें कई विषाणुओं को मार गिराना, खुद स्वस्थ रहकर लोगों को जीना सिखाना। इसलिए जाना तो पड़ेगा ही तुमको अब कोरोना, क्योंकि हमने रखा है 21 दिनों का लॉकडाउन उपवास। हमारे कदम विचलित नहीं हो सकते लक्ष्मण रेखा के उस पार। अगर आप लोग को हमारी ये स्वरचित कविता अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।